बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के बेटे और यूथ कांग्रेस के आउटरीच सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांडी ओमान ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में अलग माहौल बना हुआ है। अब भारत जोड़ो की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चल रहा है। कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। देश भर के कांग्रेस डेलीगेट्स इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए हुए यहाँ आए हुए थे। इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के आउटरीच सेल के चेयरपर्सन ओमान चांडी हमारे साथ हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं। 50वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, 3 दिन तक चिंतन मनन मंथन चला। क्या लगता है, नए संदेश नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस अब देश भर में लोगों के बीच जाएगी? जरूर, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ है, हिस्टोरिकल डिसीशंस ले लिया है। जैसे 50% युवाओं को मौका देने का एक डिसीशन भी हुआ है। तो इसको लेके बहुत एनर्जी है वर्कर्स के बीच। आप जानते हैं, इस अधिवेशन से पहले भी पूरा देश का वर्कर्स में एक ऊर्जा आया हुआ है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, इसका कोई दुनिया में कोई पैरेलल नहीं है। एक व्यक्ति इस देश के लिए चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल, तो वो चल के ये मैसेज पूरा देश को ही नहीं दुनिया को दिया है कि मैं इस देश के बारे में चिंतित हूँ, मैं इस देश में जो नफरत का एटमॉस्फेयर है उसको लेके चिंतित हूँ। इसलिए मैं इस सोसाइटी में एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक है, हम सब एक फैमिली है। राहुल जी का मैसेज यही है कि भारत एक घर है, उस घर में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में हम लड़ेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। तो ये संदेश को लेके पैदल चला, धूप में भी चला, बारिश में भी चला, जब बर्फबारी हो रहे थे उधर भी चला, और आप देखा आखिर जो स्पीच हो रहे थे, इतना बर्फ उधर गिर रहे थे, उसके बावजूद वो भाषण दिया, पूरा देश को संदेश दिया। तो हमारा ये यात्रा के बैकग्राउंड में ये अधिवेशन को आप देखना चाहिए। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।